इन छापों से बौखलाहट किसको है, बेचैनी किसको है। और मैं फिर शरद प्रधान जी की बात करूंगा, हालांकि डिबेट में बैठे हैं, हो सकता है हमारे खिलाफ भी बोले, लेकिन शरद प्रधान जी की हम सब बहुत इज्जत करते हैं। जरा इनसे पूछिएगा, इन्होंने खुद एक कोर्ट में रिट किया था जिसके बाद एक आय से अधिक संपत्ति का मामला खुला था, वो किसका था? मैं निवेदन करूंगा, शरद जी स्वयं बताएंगे कि भ्रष्टाचार किसका इन्होंने खोला था। तो अमन के पास इस सवाल का जवाब हो ना हो, नेटवर्क 18 के पास इस सवाल का जवाब हो ना हो, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जिनके पास जाएंगे उनको ये पता है, ये जो माल निकल रहा है दीवारों के भीतर से, ये जो सोना निकल रहा है तहखानों के भीतर से, ये किसका है, किसने छुपा कर रखा था, कहां उपयोग करने वाले थे, ये सबको पता है। बिल्कुल शलभ, असल में अमन की सरकार थोड़ी ना है, जो अमन के पास कागज होंगे, दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबूत होंगे। और अमन ने सीधा नहीं बोला, आपने सीधा बोला कि बबुआ ने नोटबंदी का विरोध इसलिए किया था, और देखो मिल गए 200। आप लोगों ने जोड़ा ना, तो मुझे लगा आपके पास कोई सबूत होगा, कोई समाजवादी कनेक्शन अगर आप साबित कर दें अभी। अमन ऐसा है, ये इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो एजेंसी का काम है, शलभमणि त्रिपाठी ने छापा नहीं मारा, लेकिन हाँ ये पैसा समाजवादी पार्टी का है, ये पहले दिन से एस्टैब्लिश है। अच्छा, अगर आपको रायबरेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना याद हो, अगर आपको लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना याद हो, तो कृपया करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ इसीलिए कि आप जिस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तो जन जन को पता है, जन जन को पता है। अरुण भाई आप लोगों को पता है, जन जन को पता है, आपके गठबंधन अखिलेश यादव, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये तो एक से इतना निकला, बीजेपी कह रही है आप लोगों का पैसा है सारा ये। अरुण राजभर, हाँ हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है अरुण भाई। हाँ जी जी, देखिए जिस तरीके से शलभमणि त्रिपाठी जी अपना सफाई पेश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत शालीनता से ये सफाई देख रही है। शिखर पान मसाला के ग्रुप के जो चेयरमैन है, ये फोटो लगा करके मोदी जी का भीख मांग रहे थे यही लोग कि हमें दे दो और नहीं तो तुम्हारे ऊपर रेड करा देंगे, लगा दे रेड, लगा दे कार्रवाई करें शिखर पान मसाले पर। हिम्मत नहीं पड़ रही है क्यों? भारतीय जनता पार्टी से गंध आ रही थी, शिखर पान मसाला से जा रहे थे वहां लेने के लिए चंदा। असली गंध जो आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की गंध आ रही है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त स्वतः प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके अपने वॉल से, फेसबुक वॉल से स्पष्ट कर रहा है कि मैं भाजपा कनेक्शन वादी हूं। फिर ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो फिर विरोध आप लोग क्यों कर रहे थे? नहीं, कनेक्शन इनका, विरोध आपका, ऐसे फिर ये लोग विरोध करते ना रेड का। इस बात का अगर 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 ये इनका आदमी होता, मेरी बात सुनिए, अगर ये इनका आदमी होता तो ये लोग विरोध करते, ये लोग कहते अभी ईडी आएगी, जीएसटी रेड सब होगी, ये लोग आदमी इनका, दर्द हो आपको, ऐसा क्यों, आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमें दर्द नहीं है, देखिए अमन जी, हाँ जी, हमें दर्द नहीं है, कार्रवाई करने का अधिकार कानूनी प्रक्रियाओं में सबको है, सरकार किसकी है वो कार्रवाई कर रहे हैं, जांच किस पे हो रही है, बचाया किसको जा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। यहाँ बचाया जा रहा है, यहाँ 257 करोड़ मिल गए, बचाना होता तो कैश मिलता, इतना बचाना होता तो इतना मिलता अरुण भाई, हो जाएगा मसाला। तो पहले तो 257 करोड़ की काली कमाई पकड़ी, उसके लिए मुबारकबाद दीजिए आप, अगर आप इनके साथ है ना। अभी आपने बोला मैं स्वागत करता हूँ, एक मिनट सुनिए ना आप अरुण भाई, अभी आपने बोला मैं स्वागत करता हूँ, आपने बोला ना मैं स्वागत करता हूँ, है ना, काली कमाई पकड़ी जाए भाई, जितने काले कारोबारी हैं वो किसी के यार थोड़ी ना, पकड़े जाए, आप स्वागत करते हैं तो बोलिए, जो काली कमाई पकड़ी है स्वागत करता हूं मैं योगी जी के साथ हूं, बोलिए आप। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हाँ, जिसका टर्नओवर 60 करोड़ रहा हो और एक साल में वो 1600 करोड़ हो जाए, अब आप बताइए उसके यहाँ, अब आप पीयूष जैन के साथ हैं या सरकार के साथ हैं? पीयूष जैन के साथ है, सरकार के साथ है? चलिए मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, भैया दो पहलू हैं, अमित शाह जी के बेटा, एक मिनट अरुण भाई, दो पहलू हैं, मेरा सवाल सुनिए अरुण भाई, अरुण 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 अरुण, दो पक्ष हैं, एक पीयूष जैन, एक सरकार, आप किसके साथ है? पीयूष जैन के साथ, सरकार के साथ? देखिए देखिए, नहीं किसके साथ है? पीयूष जैन के साथ, सरकार के साथ? भारतीय समाज पार्टी, सुहेल दे भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर, जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की गंध फैला रही है, तो पीयूष जैन फैला रहा है ना फिर? अरे अरुण भाई, आप कौन है? आप कंफ्यूज है, आपके दर्द हो रहा है, खुलकर बोलिए ना, परेशान है भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने शलभ से सवाल पूछा ना, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ दो पक्ष है, एक तरफ पीयूष जैन, एक तरफ सरकारी एजेंसी, किसके साथ है? देखिए किसके साथ है? पार्टी से तो उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ठीक है, तो आप सरकार के साथ है, मसाले का तो भाजपा से है, तो सरकार के साथ है ना? शिखर पान मसाला वाले इनका आदमी, भाजपा से नहीं मिला क्या? कि इनका आदमी होता तो रेड पड़वाते, थोड़ी तो लॉजिकल बात करिए अरुण भाई, बचा रहा है ना उसको, जब जब फिगर सामने आ गया भ्रष्टाचार का, कि भ्रष्टाचारी हमारा आदमी है,
तो वो गंध जब भाजपा कहाँ गई तो अब उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। ये भ्रष्टाचारी पकड़ा गया, अच्छी बात है, यही बोल दीजिए। एक काम करिए, छोड़िए सारी चीज अरुण भाई, सिर्फ इतना अरुण भाई सिर्फ इतना बोल दीजिए, ये बात नहीं होने देंगे आप। चलिए आप पूरा बोलिए, बस इतना बोल दीजिए, ये भ्रष्टाचारी पकड़ा गया, अच्छी बात है, मैं सरकार के साथ हूँ, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के साथ नहीं है, बस इतना बोल दीजिए तो मुझे समझ आएगा कि आप इसके साथ नहीं है। मैं शरद भाई कह रहा हूं कि ये जिस आधार पर ये चुनाव लड़ने आए हैं, जनता से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता इनको खारिज कर चुकी है, अब ये ईडी से चुनाव लड़ रहे हैं, सीबीआई से लड़ रहे हैं, योगी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो 5 किलो राशन दे करके आप पीयूष जैन को बचा रहे हैं, खिला रहे हैं जनता को, अब आप पीयूष जैन को बचा रहे हैं, ईडी को टारगेट करेंगे, मतलब ईडी को टारगेट करेंगे, मतलब पीयूष जैन को बचा रहे हैं, सड़क पे जा रहे तो साढ़ से भिड़ा दे रहे हैं, उसको ट्रामा सेंटर पहुंचा दे रहे हैं, महंगाई चरम पर पहुंचा रहे हैं, वहां सवाल गंध वहां से आ रही है, भ्रष्टाचार का गंध आ रहा है, महंगाई का गंध आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए ठीक ठीक ठीक, क्योंकि ये इस पे बात नहीं करना चाहते। अरुण भाई मैं समझता हूँ, बात नहीं कर रहे अरुण भाई, मैं आपकी मजबूरी का सम्मान करूंगा, क्योंकि आप गठबंधन के सहयोगी हैं और गठबंधन के सहयोगी के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, इसलिए आप ईडी को टारगेट कर रहे हैं, और मैं उसका सम्मान करूंगा अरुण भाई, मैं सम्मान करता हूं, गठबंधन की मजबूरी है, इसलिए आप नहीं बोल सकते उनके खिलाफ। मैं अरे आप बोलिए फिर, आप बोलिए, आप ईडी के खिलाफ बोल रहे हैं अरुण भाई, आप ईडी के खिलाफ बोल रहे हैं, आपने एक शब्द नहीं बोला पीयूष जैन के खिलाफ, हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए, एक शब्द आप एक शब्द बोलिए पीयूष जैन के खिलाफ। इस मामले में वो झूठ मूठ का भाजपा प्रोपोगंडा फैला रही है, वो सपा से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये देखिए, और जब सपा से कनेक्शन नहीं है, असली कनेक्शन आज शिखर पान मसाला भाजपा से आ गया। अरुण 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 एक शब्द तो बोल दीजिए, भाजपा ही, चलिए सारा यही, आप एक शब्द तो बोल दीजिए पीयूष जैन के खिलाफ, एक शब्द, भाजपा बचा रही है, चलिए वो बचा रही है, इनका आदमी है, इनका कनेक्शन है, इनका आदमी, इनका कनेक्शन, इन लोगों का पैसा, चलिए मैंने सारे आरोप मान लिए आपके। अरुण भाई एक शब्द तो बोल दीजिए, अरुण भाई एक शब्द, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं बोलेंगे, खेती करके मोदी जी ला रहे हैं, शलप, शलप, योगी जी धान की खेती करके 5 स्टार, आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है पीयूष जैन के खिलाफ, और कह रहे हैं इनका आदमी है, आदमी इनका खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं, ये इनका आदमी है तो इनके खिलाफ बोलिए ना फिर, निर्वाचन आयोग इनका, फैजान भाई आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश, चलो आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद शरद प्रधान जी और फैजान, घबराओ नहीं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, परिवर्तन, हाँ ठीक ठीक अरुण भाई, हो गया अरुण भाई, ठीक है। देखिए देखिए ये आप अरुण राजभर को ऐसी मजबूरी में आपने खड़ा कर दिया, अमन भाई बेचारे कैसे नाम लेंगे, कैसे उसके खिलाफ बोलेंगे, अब इनको पता है कि पूछताछ होगी, अब इनको पता है कि बयान लिया जाएगा, अगर इनका नाम ले लिया, उन्होंने नाम लिया, अरे सुनिए अमन भाई ऐसे जवाब नहीं पाएगा, अरुण आपने गठबंधन धर्म निभा लिया और बचा लिया उनको, आपने गठबंधन धर्म निभा लिया और बचा लिया, चलिए अब बस करिए, अब पीयूष जैन को इतना क्यों बचा रहे हैं आप लोग, पीयूष जैन को इतना क्यों बचा रहे हैं भाई, 257 करोड़ मिला है, कोई हिस्सा था क्या आपका, इतना बचा रहे हैं आप, चलिए बोलने दीजिए शलभ को, बोलने दीजिए बोलने दीजिए शलभ को, कोई मजबूरी नहीं है अरुण अरुण अरुण, चलिए ठीक है, आपकी है कि आप अपने, चलिए अरुण अरुण को बचा रहे हैं जिसमें मोदी जी का फोटो लगा है, चलिए ठीक है, हो गया बस, हो गया शलभ मनी, अब आप बोलिए, बीच में मत बोलिएगा अरुण भाई, शरद प्रधान जी आ रहा हूँ, फैजान आपके पास आ रहा हूँ, शलभ